प्रोडक्शन में खुलेआम बिक रही है अवैध शराब। सिंगरौली में अवैध शराब के विक्रय में ना तो आबकारी विभाग प्रतिबंध लगा पा रहा है और ना ही पुलिस सार्थक कार्रवाई कर पा रही है। गांव-गांव व मेन रोड पर बेची जा रही अवैध शराब, इसके आतंक से परेशान है महिलाएं व बच्चियां, असुरक्षित हैं, पर इस रसूखदार के सामने पूरा प्रशासन बौना नजर आ रहा है। गाँव में अवैध शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पीड़ित महिलाओं ने की। बताया गया कि खुलेआम गांव-गांव व मेन रोड पर अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे गांव में युवा पीड़ित तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही आपराधिक कृत्यों में भी इजाफा हो रहा है। वहीं पीड़िता ने बताया कि शराब के कारोबारी रात्रि में शराब पीने के बाद आतंक मचाया करते हैं। वहीं खुलेआम मार्केट में दो लोगों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री भी की जा रही है। सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गजरा बहरा निवासी पीड़िता ने बताया कि इन गाँव में पुलिस की मिली भगत से कई लोग कच्ची देशी व अंग्रेजी शराब अवैध रूप से मेन रोड पर बेच रहे हैं। इसकी जानकारी थाने में होने के बावजूद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने समाचार के माध्यम से पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से मांग की है कि अवैध शराब के विक्रय पर रोक लगाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। धंधा करते हैं, बगल में भट्टी है, दारू भट्टी है बगल में, दारू पी के अंधी गंदी बहन बेटी गाली देते हैं, साहब का शटर पीटते हैं। जैसे दो जगह पे शराब बिकता है, कहाँ कहाँ बिकता है? दोनों साइड दुकान जो मेन रोड में संचालन कर रहे हैं, इसकी शिकायत नहीं की गई है कहीं पे? शिकायत कहीं नहीं की गई है, बोलते हैं कि हम यहाँ घूस देते हैं वो देते हैं, पर इसे लाइसेंस नहीं है इसका। अच्छा, मतलब क्या बोलता है, थाने में घुस देते हैं? थाने की आई तो घुस देते हैं, 10,000 रुपया महीना देते हैं। क्या बोला था? 10,000 रुपया महीना देते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। कहाँ देता है 10,000 महीना? थाने में, सरई थाने में। तो क्या नाम है जो बेचता है शराब? वो लालू सेठ। लालू सेठ नाम है, ये गजरा भरा मतलब मेन रोड पे संचालन कर रहा है, चौराहे पे बेच रहा है। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।